हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टेडिया एक्यूकेडमी स्वागत है। आज आपके लिए मैं आरपीएससी अपडेट लेकर के आ गया हूं दोस्तों। तो आरपीएससी की सबसे बड़ी अपडेट हाल ही की देख सकते हो, अब 6 प्रेस नोट जारी कर दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हो यहां पर, देख सकते हो 5/7/2019 को, यानी कि आज जारी किए गए। कितने बजे तो ये जारी किए गए दोस्तों? 6 बजे की अभी शाम को। तो देख सकते हो क्या क्या है यहाँ पर। द्वितीय श्रेणी स्कूल व्याख्याता, तृतीय श्रेणी शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, अन्य भर्ती जितनी भी है उनसे संबंधित, और आरएस का मेंस का जो पेपर हुआ था वो पेपर भी अपलोड कर दिए गए हैं, चारों पेपर। तो आप देख सकते हो, यदि आप किसी को पेपर देखना है, डाउनलोड करना है, तो आपको पूरी जानकारी यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि आरपीएससी ने 6 बड़े प्रेस नोट जारी किए हाल ही में। तो जो देख सकते हो, और दोस्तों जो पेपर किया गया था अभी 3 और 4 तारीख को, जो टीएसपी एरिया का, उसकी भी आपको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो आपको मैं न्यूज़ बताऊंगा क्या न्यूज़ आ रही है यहाँ की, अभी की हाल ही की। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी तक ये न्यूज़ पहुँच सके, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को दोस्त देख सके और उन सभी का फ़ायदा ले सके। तो चलते पूरी जानकारी आपको दिखा देते हैं, ऑफिशियल प्रेस नोट। तो देख सकते हो दोस्तों, ये आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर प्रेस नोट जारी किया गया, जो 1, 2, 3, 4 और 5 और 1 आपको नीचे और बता देता हूँ। ये देख लो, यहाँ पर 5 प्रेस 6 प्रेस नोट जारी किए गए, जो कि हाल ही में जारी किए गए। तो किस किस से संबंधित है मैं आपको पूरा पढ़ के बता देता हूँ दोस्तों। तो पहले अपन डाउनलोड कर लेते हैं इस प्रेस नोट को, नीचे वाले को, ठीक है। प्रेस नोट रिगार्डिंग प्री लिगेशनेशन कम्युनिटी डेटेड, तो यहाँ पर इसको पूरा डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर मैंने प्रेस नोट जारी डाउनलोड कर लिया है। तो देख सकते हो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग 5/7/2019 को जारी किया गया प्रेस नोट। तो इसमें देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, आज दिनांक 5/7/2019 को प्री लिटिगेशन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आयोग के माननीय सदस्य श्री शिव सिंह राठौर द्वारा ली गई। बैठक में आयोग के सचिव के शर्मा, विधि सलाहकार श्री अश्विनी विजय, संयुक्त सचिव श्रीमती दीप्ति शर्मा, उप विधि परामर्शी श्री अनिल गुप्ता उपस्थित रहे। तो यहाँ पर देख सकते हो क्या है, प्री लिटिगेशन समिति द्वारा, तो देख सकते हो प्री लिटिगेशन समिति द्वारा कुल 46 प्रकरणों पर विचार कर निस्तारित किया गया, यानी कि 46 प्रकरणों पर यहाँ पर विस्तार से निस्तारण किया गया। तो क्या है, तो देख सकते हो उक्त प्रकरणों में द्वितीय श्रेणी, तो यहाँ पर देख सकते हो द्वितीय श्रेणी स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018, आगे देख सकते हो सहायक अभियंता परीक्षा 2018, तृतीय श्रेणी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक परीक्षा 2006, सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2018, कनिष्ठ लेखाकार व तहसील राजस्व लेखाकार 2013, सहायक वन संरक्षण एवं वन रेंज ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट परीक्षा आदि से संबंधित विभिन्न प्रकरण, यथा त्रुटि संशोधन, प्राथमिकता क्रम में बदलाव, वर्ग परिवर्तन, आरक्षण संबंधी प्रकरण थे। तो इसमें एक प्रकरण में आवेदन को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए जाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी ऑफिशियल जानकारी, तो देख सकते हो दीप्ति शर्मा जो संयुक्त सचिव है उन्होंने जारी किया है। तो देख सकते हो यहाँ पर जो आज समिति गठित की गई थी, कौन सी समिति, सदस्य सचिव प्री लिटिगेशन समिति, यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें टोटल 46 प्रकरणों पर विचार किया गया और निस्तारण किया गया, जो कि आपको मैंने न्यूज़ बता दी दोस्तों। इसके बाद में आरएस की और भी जो बड़ी न्यूज़ है, आज 6 प्रेस नोट जारी किया गया, पूरी आपको बता देता हूँ क्या क्या न्यूज़ है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आप सभी दोस्तों को पता चल जाए कि किस किस में यहाँ पर प्रकरणों में ली गई है। तृतीय श्रेणी व्याख्याता, तो देख सकते हो वंद्रियन जिस सकमी में देख रहे हैं, सहायक अभियंता वगैरह की सभी की यहाँ पर पूरी न्यूज़ आ रही है। तो दोस्तों, अगली वीडियो न्यूज़ देने के लिए चलते हैं अपन आगे दूसरी खबर की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक क्या न्यूज है, तो यहाँ पर न्यूज आ रही है राजस्थान लोक सेवा आयोग, यहाँ जारी किया गया 5/7/2019 को, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर आयोग द्वारा दिनांक 3/7/2019 और 4/7/2019 को वरिष्ठ अध्यापक विशेष शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2018 टीएसपी का आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर किया गया। तो वहाँ पर क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप उक्त परीक्षा हेतु दिनांक 8/7/2019 से 17/7/2019 तक अभ्यर्थी का नाम, परीक्षा केंद्र, फोटो, हस्ताक्षर एवं विषय के अतिरिक्त सभी प्रकार के संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है दोस्तों आपको। ये तो क्या कर सकते हो, इससे ई मित्र के साथ या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 300 रुपया जमा करके आप इसको सही कर सकते हो। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में आपको एसएसओ पोर्टल में जाकर के आपको सही कर लेना होगा। तो ये का आपको दोबारा से अवसर दिया जा रहा है, तो दोस्तों इस अवसर को ना छोड़े और जल्दी से अपना जो भी, यदि कुछ गलती हो गई है आपकी, तो उसे संशोधन कर सकते हो, यहाँ पर साफ साफ दे रखा है। तो चलते हैं दूसरी बड़ी न्यूज की तरफ। तो 2 प्रेस नोट अपन ने देख लिया, इसके बाद 4 प्रेस नोट और बाकी है, तो 4 प्रेस नोट आपको मैं और बता देता हूँ। तो 4 प्रेस नोट और देख लीजिए आप दोस्तों, 4 प्रेस नोट किससे संबंधित है, देख सकते हो क्वेश्चन पेपर 4 राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस कमीशन। तो यहाँ पर देख सकते हो जो मेंस का एग्जाम हुआ था आरएएस का, तो उसी का पेपर देख सकते हो यहाँ पर, आरएएस का पेपर देख सकते हो, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, यानी कि 4 प्रेस नोट पेपर से संबंधित किए गए हैं यहाँ पर जारी। तो चारों पेपर को मैं, एक पेपर आपको मैं डाउनलोड करके बता देता हूँ, कोई सा भी एक पेपर, फिर आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से दोस्तों पेपर। और आपको यदि इस पेपरों को चाहिए तो आप टेलीग्राम में से डाउनलोड कर सकते हो, मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा इसको, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलते आपको इसको पूरी जानकारी बता देते हैं।
तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पेपर था आरएएस का जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो देख सकते हो पार्ट सेकंड, तो यहाँ पर एक फोर्थ पेपर था जो कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है। आप भी देख सकते हो कौन कौन से पर्सन आए थे, आपको जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। रफ वर्क करने के लिए यहाँ पर पेज है, ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। ये पेपर है सामान्य हिंदी का, ठीक है, 120 नंबर का पेपर है और 65 क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर टोटल। देख सकते हो यहाँ पर टोटल नंबर वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, तो देख सकते हो यहाँ पर पूरी खबर है। तो ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, आप इसको एक बार पढ़ लेना। यदि कोई नए बच्चे हैं तो वो भी यार किसी कोई पेपर दे के आया तो पेपर देने के बाद भी पेपर डाउनलोड करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोबारा घर पर आके मिलाते हैं, तो इसीलिए आपको इस पेपर को डाउनलोड कर लीजिए आप। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जो मैंने न्यूज़ दी आपको अच्छी लगी होगी, आरएएस और टीचरों से संबंधित और जितने भी विभाग से संबंधित इसमें जानकारी थी वो आपको मैंने बता दी। धन्यवाद दोस्तों।